बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे पहले डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। शो दैट द मैस अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिटरमिन इट्स वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की ऐसी मोशन होती है, ऐसी ऑसिलेटरी मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो उस ऑसिलेटिंग बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स जो है, ये कंडीशन होती है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जो एक्सेलरेशन है ऑसिलेटिंग बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो मीन पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके लिए हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं पेस स्प्रिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास स्प्रिंग है जिसके साथ हमने मैस को अटैच किया हुआ है और इसके ऊपर हम एक अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि के एक्स के बराबर है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू के एक्स। अब इसमें देखें कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे ये मेन पोजिशन की तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमेशा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, टू एंड फ्रो अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन ओवर द सेम पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी ये भी ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन ही होगी और ये भी ऑसिलेटर सेम इसी कंडीशन को फॉलो करेगा, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। लेकिन इसमें अगर हम डिफाइन करें इसे तो हम कहेंगे कि टू एंड फ्रो मोशन है बॉडी की और बॉडी मूव मोशन के दौरान जो है वो सेम पाथ को फॉलो करेगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा। जैसे नीचे ये देखें कि हमारे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर ही काम करता है जिसमें कि हमारे पास मेन पोजिशन होगी और मेन पोजीशन से अगर हम बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैस को हम इस तरफ ले जाएंगे, जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये अपनी इस मेन पोजीशन जहाँ पर एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा हमारे पास, इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर काम करता है और इसमें हमारे पास यही कंडीशन जो ऊपर मैंने डिस्कस की है ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स जो है वो फॉलो होगी। अब नेक्स्ट अगर हम इससे देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन सेम वही है जो हम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट पेज में कि हमारे पास कोई मैस है स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ है। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे काम करेगा। ये इस अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में, जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जब जहाँ जिस पोजीशन पर ये मौजूद है वहाँ x इज इक्वल टू ज़ीरो होगी पोजीशन और ये इसकी मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। अब यहाँ पर हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा जब हम खींच कर इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ f इज इक्वल टू के एक्स के बराबर होगी। अब जब हमने डेली लाइफ में भी देखा है कि जब हम मैस के साथ, स्प्रिंग के साथ किसी मैस को अटैच करते हैं तो हम थोड़ा सा अगर फोर्स अप्लाई करके उसे खींचते हैं तो वो कोशिश करता है कि दोबारा अपनी असली हालत को रीस्टोर करे, अपनी असली पोजीशन को रीस्टोर करे। लाजमी तौर पर अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स एक्ट करती है। एफ आर आर स्टैंड करता है फॉर द रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट करेगी माइनस के एक्स, यानी इक्वल हम कहेंगे क्योंकि ये भी सेम के एक्स है और ये अप्लाइड फोर्स भी के एक्स है, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी, इस वजह से इस साइड पे इसके साथ माइनस साइन आया है।
इसमें हम देखेंगे कि अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखें तो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होती है एफ वो एम ए के इक्वल होगी, और इसी को अगर हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फॉर्म में लें तो हमारे पास हमने देखा कि हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो डी ए जो है वो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर है। अगर एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो उसका स्क्वेयर डेरिवेटिव जो होगा डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या बनाएगा एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वेलोसिटी। लास्ट हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में भी, हमने देखा था कि जो हमारे पास ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इस क्वेश्चन में हमने एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करना है और दूसरा हमने ये देखना था कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, ये भी हम कंडीशन प्रूव करेंगे, और साथ में हम इसके फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी जो है वो मालूम करना जा रहे हैं, वेलोसिटी जो है वो मालूम करने जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, इसमें सबसे पहले हम जो ऊपर दो इक्वेशंस हमने देखी हैं, एक तो ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए विच इज इक्वल टू एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टू स्क्वेयर, ये इसके ऊपर एक्ट कर रही है अप्लाइड फोर्स, और उसके बाद एक रीस्टोरिंग फोर्स है एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये दोनों फोर्सेज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल लेकिन डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होंगी, तो इस वजह से हम दोनों इक्वेशंस को ऊपर वाली वन और टू को इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू जो है दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस के एक्स हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें मालूम है कि जो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर है ये एक्सेलरेशन का होगा फैक्टर, और यहाँ पर जो इस तरफ माइनस एम मल्टीप्लाई हो रहा था ये इस तरफ जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में माइनस के एक्स की जगह माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा। अब जो हमारे पास है डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, इसलिए कि ये हमारे पास स्क्वेयर डेरिवेटिव है, तो हम अगर डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर को लिख लें डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी जो है वो वी बन जाएगा और डी बाई डी टी जो है वो साथ में वैसे ही रह जाएगा यहाँ पर डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर जो है वो डी वी बाई डी टी किस तरह बनेगा, इसमें हमें पता है पहले ऑलरेडी के जो वी होती है वो डी एक्स ओवर डी टी के बराबर होगी, तो यहाँ से अगर हम डी बाई डी टी एक कॉमन लेकर यूँ समझें कि अगर कॉमन लेकर हम बाहर ले जाएं डी बाई डी टी को तो एक डी एक्स बाई डी टी जो है वो अंदर रह जाएगा और डी एक्स बाई डी टी जो है वो वी के बराबर होगा और जो डी बाई डी टी है वो पीछे बाहर साथ वैसे रह जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक माइनस के बाई एम इंटू एक्स के, और इसी तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे तो डी एक्स के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वी बाई डी टी इंटू माइनस के बाई एम इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे देखें कि ये डी एक्स जो हमारे पास यहाँ पे डी एक्स आया था, इस डी एक्स को हम इस डी टी के साथ लिख लेंगे डी एक्स बाई डी टी और डी वी जहाँ से जो है वो बाहर निकल आएगा, और यहाँ से देखें कि माइनस के बाई एम इंटू एक्स डॉट डी एक्स वैसे रह जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं कि वो वी के बराबर होता है, तो ये वी हो जाएगा डी वी वैसे रह जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन से, और माइनस के बाई एम डॉट इंटू एक्स डॉट डी एक्स ये वैसे रह जाएगा। अब देखिए हम दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे, इस साइड वाली को विद रिस्पेक्ट टू डी वी करेंगे और इस साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और इसी तरह से इक्वेट करके माइनस के बाई एम कॉन्स्टेंट होगा यहाँ से, ये हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। अब इंटीग्रेशन सिर्फ रह जाएगी एक्स की विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, तो अब एक्स जो है वो इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पर जो सी आया है साथ में ये होगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें जो ये कॉन्स्टेंट सी हमने लिया है इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इसकी वैल्यू बीच में इंसर्ट करेंगे और फिर वहाँ से वेलोसिटी हम मालूम करेंगे।
यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए हम लगाएंगे एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो कंडीशंस होंगी, कंडीशन किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्स एम के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। तो अब इसमें अगर नेक्स्ट जाएं हम, तो वी जो है वो एक्सट्रीम के ऊपर ज़ीरो हो जाता है, वहाँ पर बॉडी रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ये कंडीशंस अगर हम पिछली इक्वेशन में लगाएं जो लास्ट हमने की है, तो वहाँ पर हमारे पास ये ज़ीरो इक्वल्स माइनस हाफ के बाई एम इंटू डी एक्स एम स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। अब अगर सी को हम एक साइड पे रख लें और इस नेगेटिव फैक्टर को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये ज़ीरो के साथ ऐड करके होकर ये पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू जो सी हमने निकाली है वो पीछे वाली इक्वेशन में जो हम निकाल चुके हैं इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आया था पीछे, यहाँ पर देखें, यहाँ हम सी की वैल्यू को आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सी की वैल्यू को आराम से इंसर्ट कर सकेंगे, वहाँ से हम सी को भी सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो वी की फॉर्म में आ जाएगी। अभी नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन थ्री में हमने वैल्यू पुट करनी थी सी की, जब सी की हमने वैल्यू पुट कर ली तो वहाँ से हमने क्या किया कि टू को कॉमन लेके दोनों साइड पे कैंसिल आउट कर दिया, और वी स्केयर को हमने एक साइड पे रख लिया, के बाई एम वैसे कॉन्स्ट कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऊपर वाली का, बिकॉज हमें वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए, हम इसके लिए अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास ये वी स्क्वायर अंडर रूट जो है वो वी के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह से के बाई एम अंडर रूट जो है वो एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर वी जो है वो होगा, हमने चूंकि अंडर रूट सॉल्व कर लिया है तो ये हमारे पास प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम है, ये बाहर हम निकाल लेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट में से, इसका अलग कर लेंगे स्क्वायर रूट, और इसी तरह से चूंकि ये दोनों जो क्वांटिटीज़ आपस में प्रोडक्ट में हैं, तो इनके अंडर रूट को भी हम अलग अलग से करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फोर सिंपल हार्मोनिक, ये तो थी वी की वैल्यू, ठीक है, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हमें के बाई एम का मज़ीद कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स और फोर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सर्कल, सर्कल में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो स्टडी की थी क्लास फर्स्ट ईयर में, वहाँ से हमने जो एक्सेलेरेशन है उसका रिलेशन निकाला था, ए इज़ इक्वल टू माइनस मेगा स्क्वायर एक्स, इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ए इज़ इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स हो जाएगी ये। अब नेक्स्ट देखें कि अगर हम कंपेयरिंग करें दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन की और इसकी, तो कंपेयरिंग के बाद देखें दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे ए आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे जो है ये वाली चीज़ें हैं, दोनों हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, माइनस मेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो है मेगा स्क्वायर अंडर रूट जो है वो के बाई एम अंडर रूट के बराबर होगा, इसी तरह से मेगा स्क्वायर अंडर रूट को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये मेगा रह जाएगा जो कि अंडर रूट के बाई एम के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर में जब हम इस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे यहाँ पर इस वैल्यू को, तो वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में, इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, अभी इस यहाँ तक काफ़ी है जी। देखें ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो हम मालूम करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए फिर हमें इसी क्वेश्चन के ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फोर पे हम वापस जाएंगे, पहले v इज़ इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम की फॉर्म में जो रिलेशन था हमारा v का, उसी पे जाएंगे हम। तो ये हमारे पास था अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट के बाई एम अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें कि जो v था, इस v को हम लिख सकते हैं डी एक्स वी इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी, जो कि अंडर रूट के बाई एम अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसमें देखें कि हमने क्या किया है, दोनों साइड्स पे हमने क्या किया है, इसको मैथमेटिक्स में आपने काफ़ी इंटीग्रेशन सॉल्व की होगी, थोड़ा सा आपको भी आइडिया होगा कि हमने ये चीज़ जो है वो के बाई एम को अंडर रूट के बाई एम को इसी तरफ रहने दिया, ये डी टी जो नीचे आ रहा था उसको हम इस तरफ ले गए हैं, और ये जो अंडर रूट वाला फैक्टर है वो नीचे आ रहा है। अब देखें कि अगर इंटीग्रेशन हम लें
ठीक है, हमने काफ़ी इंटीग्रेशन की हुई है सेकंड ईयर में। तो यहाँ देखें कि अगर हम दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन ले लें तो ये हमारे पास एक जो है वो बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास आंसर में आएगी माइनस कॉस इनवर्स एक्स ओवर एक्स एम। ये फॉर्मूला है जस्ट। और इसी तरह से ये देखें के बाय एम अंडर रूट बाहर हमने निकाल लिया। जब डी टी की हमने इंटीग्रेशन की है तो डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी प्लस फाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम, फिर माइनस साइन को यहाँ से उड़ाएंगे, इस तरफ ले आएंगे और उसके बाद जो है हमारे पास एक्स ओवर एक्स एम इस तरफ रह जाएगा, कॉस रहेगा और उसके बाद जो है ये माइनस साथ में आ जाएगा अंडर रूट के बाय एम टी प्लस फाइव। ये जो है इसमें हमारे पास पूरा ये फैक्टर आ जाएगा ऐसे ही। अब देखें कि ये यहाँ पर देखें कॉस इनवर्स था, अगर हम दूसरी साइड पे इक्वेशन के ले जाएं तो ये कॉस इनवर्स की बजाय कॉस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक्स एम को हम इस तरफ ले जाएंगे और कॉस अंडर रूट के बाय एम टी यहाँ पर ये देखें माइनस था, लेकिन कॉस थीटा के साथ जब अंदर थीटा में जब माइनस आता है तो वो कॉस माइनस थीटा हमेशा कॉस प्लस थीटा ही बन जाता है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस मेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। अब ये ओमेगा हमने कहाँ से लाए हम, क्योंकि हमने पीछे प्रूव किया है कि अंडर रूट के बाय एम जो है वो ओमेगा के बराबर होगा, यहाँ ओमेगा आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर वन है जो कि क्या देती है, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताती है। अब हम फिर जाएं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्स है इसका अगर हम टाइम डेरिवेटिव ले लें इसी एक्स का तो ये हमारे पास बन जाएगी वेलोसिटी। बेसिकली हम ये काम क्यों करने जा रहे हैं, इसलिए हम ये काम करने जा रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि जो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर है वो क्या फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, क्योंकि ये कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम दोबारा वापस चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ ही। इसमें इक्वेशन नंबर सिक्स को हमने लिया ऊपर वाली को, तो यहाँ हमारे पास जो है वो एक्स है, एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर। इसके जब हम टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे इक्वेशन का तो हमारे पास जो डी एक्स बाई डी टी बनेगा, ये डी एक्स बाई डी टी वो वी वी के बराबर होगा, लिहाजा हम यहीं पे वी लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है आगे जब हम इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे इस पूरी क्वांटिटी का तो एक्स एम हमारे पास वैसे ही रहेगा और जो कॉस वाली टर्म है पूरी ये बन जाएगी हमारे पास ओमेगा एक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये एक्स एम शुरू में था, ये वाला वो उन्होंने बीच में लिख दिया है, ओमेगा स्टार्ट में लिख लिया है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये भी आपने मैथ्स में डेरिवेटिव पढ़ा होगा कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, इस फार्मूला से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पहले हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का हमने टाइम डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास बन गई वेलोसिटी। इसी तरह अगर हमारे पास ये जो वेलोसिटी का रिलेशन आ गया है इसी का हम मज़ीद टाइम डेरिवेटिव ले लें, मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी टी जो कि ए के बराबर होगा, और डी एक्स बाई डी टी को हम कर लेंगे डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। इसी तरह से अगर हम इस वाली साइड का अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास ये ओमेगा एक्स एम वैसे रह जाएगा और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पर आ जाएगा कॉस ओमेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये माइनस हमारा वैसे ही साथ चला जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और अंदर से जो हमने ओमेगा लिया है वो ओमेगा और बाहर वाला ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे दोनों, और एक्स एम वैसे रह जाएगा साथ, और साथ में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वैसे रह जाएगा। ये हमारे पास हम नेक्स्ट इसको देखते हैं मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये ए जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया है। अब ये एक्स कैसे आया, ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर सिक्स से हमारे पास आया, ठीक है ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया।
तो यहाँ पर देखें कि अगर हम इक्वल साइन को और इस कांस्टेंट को हटा दें तो इनको हटाने से हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ए नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन, हैंस इट परफॉर्म्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से हमने ये नतीजा निकाला कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, और थर्ड टर्म जो है वो होगी फ्रीक्वेंसी। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ये आप लोग खुद देखिएगा क्योंकि बिल्कुल ये सेकेंड ईयर के आर्टिकल्स की तरह ही हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। ये आपकी असाइनमेंट होगी जो कि क्वेश्चनिंग का जो हमारा सेशन है उसमें आप लोग मुझे सेंड करोगे ये सॉल्व करने के बाद, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जो क्वेश्चनिंग सेशन है हमारा उसमें आप मुझे ये क्वेश्चन करेंगे या मुझसे पूछेंगे, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं ये आपको सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।